ये है मुंबई का मैप, देश और दुनिया के टॉप शहरों में से एक और देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट, जहां पर रिसेंटली 1 एकड़ जमीन बेची गई थी 746 करोड़ रुपए की कीमत में, यानी 1,71,258 रुपीस पर स्क्वायर फीट। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक ऐसा परिवार भी है जो इतनी बड़ी जमीन अकेले ओन करता है, और ये लैंड साइज है 3,400 एकर्स, और एनालिस्ट के हिसाब से इसका डेवलपमेंट पोटेंशियल जो है वो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कौन है ये परिवार, कहां से इनको मिली है इतनी बड़ी जमीन, और आगे जाकर इस जमीन का वो करने क्या वाले हैं, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। अर्ली 1800s में मुंबई एक सी साइड के पास में बसा हुआ छोटा सा गांव था, जहां पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव थे, जंगल की तरह ये छोटा सा एक एरिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर पहुंची इसके लोकेशन की वजह से, और इन्होंने अपने कुछ बिजनेस प्रोसेस यहां पर शिफ्ट किए, जबकि यहां पर जमीन पे कब्जा करना भी शुरू किया, जहां पर आज मुंबई का विक्रोली, भांडुप और नाहूर रीजन है, यहां पर एक जमीन पे उनकी नजर पड़ी और उन्होंने अपने अंडर से ले लिया। 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये जमीन ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल है नहीं, और इसके लिए उन्होंने उसे बेचने के लिए निकाला, और उस समय पर फ्रामजी बनाजी नाम के एक पारसी बिजनेसमैन थे, जो उस समय पे टेक्सटाइल ट्रेड में बड़ा नाम रखते थे, इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड वो करते थे, उन्होंने इस जमीन को खरीदा। कितने में खरीदा उस जमाने में, उस बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है। इसके बाद में कुछ बिजनेस इश्यूज के चलते ये जमीन फ्रामजी को ऑक्शन करनी पड़ी, और ये हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए। ऑक्शन के दौरान जो पर्सन इस जमीन को खरीदने के लिए सामने आए थे वो थे फिरोज शाह गोदरेज, 125 साल पुराने गोदरेज ग्रुप के जो फाउंडर है अरेशिर गोदरेज, उनके भाई। वही गोदरेज ग्रुप जो देश में सबसे पहले लीवर लॉक्स बनाने वाली कंपनी थी, और आज लॉक्स से लेकर एरोस्पेस सारे इंडस्ट्रीज के अंदर फैला हुआ इनका $6 बिलियन का एम्पायर है, और तब से ये जमीन जो है गोदरेज फैमिली के पास में ही है। और जब इस जमीन को खरीदा गया था उस समय पर भी ये कोई खास सिटी सेंटर में आती नहीं थी, इसका कुछ खास पोटेंशियल था नहीं, लेकिन जैसे मुंबई एक्सपांड हुआ, जमीने महंगी बनती गई और जमीने मिलना मुश्किल होने लगी, तो गोदरेज ग्रुप बन गया मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट लैंड ओनर। और समय के साथ में ये जो एरिया है ये प्राइम लोकेलिटी बनना शुरू हुआ, इसकी वैल्यूएशन ऊपर जाना शुरू हुई, जिसकी वजह से आज कहा जाता है कि 1,00,000 करोड़ रुपीस के वैल्यू का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। अब समझते हैं कि गोदरेज ग्रुप इस जमीन के साथ में क्या करती है और क्या करना चाहती है और आगे क्या करेगी। अब इस जमीन का जरा स्प्लिट समझ लेते हैं। अब ये जो 3,400 एकड़ जमीन टोटल है उसमें से 3,050 एकड़ जमीन विक्रोली में है, 350 भांडुप में है और नाहूर में है। अब इसमें से प्रॉब्लम यह है कि 300 एकड़ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर हो गया है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन, स्लम्स का बन जाना। यहाँ पे जो कुछ एनक्रोचमेंट है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया गया है, लेकिन टाइम बर टाइम जो है कई बार गोदरेज ग्रुप ने पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से ऐसे लैंड के अंदर हिस्से खोए हैं, और इसको वो रिकवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में जो बची हुई जमीन है उसमें से 1,750 एकर्स मैंग्रोव से भरा हुआ है, जिसे गोदरेज ना खुद हटा सकता है एनवायरमेंटल रूल्स के चलते, और वो हटाना भी नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और जो लास्ट 1,000 एकर्स बचा हुआ है वहां पर गोदरेज ग्रुप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन ये जो जमीन है ये भी कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स में अड़की हुई है, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट अभी तक बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, और ये जो डिस्प्यूट है इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते कि अब तक गोदरेज ने जमीन का किया क्या। पहले विक्रोली के अंदर गोदरेज साइड ने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, अगर आप आज भी यहाँ पे देखते हो तो गोदरेज सिक्योरिटीज, गोदरेज इंटीरियो, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूल्स, इन जैसी कई फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और मशीनरी प्लांट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ साथ में यहाँ पर कुछ सालों पहले गोदरेज ने एक छोटा सा IT पार्क भी बनाया जिसका नाम था गोदरेज वन विक्रोली। कुछ रिटेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए जैसे विक्रोली सोशल्स। लेकिन आज भी ज्यादातर जो जमीन यहाँ पे है वो गोदरेज ने खुद के एम्प्लॉयज को हाउसिंग, स्कूल्स, ग्राउंड्स, इन जैसी चीजों को प्रोवाइड करने में लगाई है, और इस एरिया को आज जाना जाता है एज गोदरेज कॉलोनी विक्रोली। इसके अलावा गोदरेज ने यहाँ पर कई सारे प्राइवेट सेलेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा हाई एंड और लग्जूरियस है, जिसके अंदर गोदरेज गार्डन्स एनक्लेव, गोदरेज प्लैटिनम, गोदरेज द ट्रीज, इन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल भी है, और आज मुंबई का जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है इसके पास में ही ये सारा का सारा डेवलपमेंट लोकेटेड है, और फिलहाल इतना ही डेवलप किया गया है। अब ये ऑब्वियसली मोर देन 1,000 एकर्स नहीं है, तो बची हुई जमीन का क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब फिलहाल जो ओनर थे ये लैंड के, ओरिजिनल बायर थे, उसके बाद में ऑब्वियसली उनके किड्स हुए तो फैमिली जो है वो स्प्रेड होती गई, और आज करेंटली अगर हम बात करें गोदरेज कंपनी के स्ट्रक्चर की, तो जो मेन गोदरेज प्रॉपर्टीज वाली कंपनी है और जो गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन है आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज, वो एक फैक्शन ऑफ कंपनी
संभालते हैं, जबकि गोदरेज एंड बॉयज नाम से जो दूसरी कंपनी बनी है वो स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज के द्वारा संभाला जाता है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है वो यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो मैंने 300 एकड़ ऑफ लैंड की बात की जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, इसको वो पहले हटाना चाहते हैं, क्योंकि गोदरेज ग्रुप का ये मानना है कि ऑलरेडी अच्छी खासी जमीन वो खो चुके हैं और समय जाया करने की वजह से और ज्यादा डेवलपमेंट पोटेंशियल जो यहाँ पे है उसको वो खो सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी 70,000 करोड़ से ऊपर की ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है, तो उनके लिए ये जमीन एक कंपनी के प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। एट द सेम टाइम जो दूसरा फैक्शन है स्मिता एंड जमशेद गोदरेज के साइड वाला, वो इस तरीके से इस लैंड को नहीं देखते। अब यहाँ पर हुआ यह है कि ये जो जमीन है वो गोदरेज होल्डिंग्स नाम की कंपनी के पास में है, और गोदरेज होल्डिंग्स एक अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जहां पर ये सारे परिवार वाले एक साथ बोर्ड पे बैठे हैं। एट द सेम टाइम दोनों परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड डिसीजंस ना हो, इसके लिए जो आदि गोदरेज वाली कंपनी है वहां पर डायरेक्टर्स बैठते हैं जमशेद एंड स्मिता गोदरेज के साइड वाले। एट द सेम टाइम जो स्मिता गोदरेज के साइड वाली कंपनीज है वहां पर डायरेक्टर्स बैठते हैं आदि एंड नादिर गोदरेज के साइड वाले। स्मिता गोदरेज एंड जमशेद गोदरेज का मानना ये है कि इस जमीन को ज्यादा डेवलप नहीं किया जाना चाहिए, इसको जैसे है वैसे एनवायरमेंटली क्लीन रखा जाना चाहिए, और एक्सेसिव डेवलपमेंट करने से गोदरेज ग्रुप का और ओवरऑल सिटी का नुकसान होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आदि गोदरेज ग्रुप का कहना यह है कि उनके कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए ये लैंड काफी प्राइम है, इसके कारण वो उसे डेवलप करना चाहते हैं। एग्जांपल में अगर आपको दूं तो मुंबई के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेवलपमेंट्स जो आज है वो है हीरानंदनी गार्डन्स जो पवई में बना था। आप सोच के देखिए कि हीरानंदनी गार्डन्स जो एक इतना बड़ा कॉन्क्लेव बन गया वो 250 एकर्स लैंड के साथ में खरीद कर बनाया गया था। एट द सेम टाइम 300 एकर का तो एंक्रोचमेंट गोदरेज के पास में पड़ा है, एट द सेम टाइम 1000 एकर्स का एडिशनल पोटेंशियल उनके पास में पड़ा है। तो इसके वजह से जो पॉसिबिलिटीज बनती है गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास में इस लैंड को डेवलप करने के लिए, वो उनको इजीली शहर का सबसे बड़ा डेवलपर बना सकते हैं और इसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसकी वजह से अभी दोनों फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट ये चल रहा है कि जमीन को सेपरेट कर दिया जाए, क्योंकि आपस में डायरेक्टर्स एक्सचेंज रहे तो कोई डिसीजन बन नहीं पाता। तो चाहते वो ये है कि अपने अपने साइड की जमीनें उनके उनके नाम पर हो जाए और इंडिपेंडेंटली वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले पाए, जिसके लिए टॉप लॉयर्स को लगाकर यहां पर बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। यहां पर जिया मोदी, उदय कोटक, इन जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है, बड़े लॉ फर्म शामिल है जो कि इस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये कोई ऐसे हॉट झगड़ा नहीं है, पीसफुली ही ये डिस्प्यूट आगे बढ़ रहा है। अब आगे जाकर होगा ये कि लैंड इशू सेपरेट हो जाएगा, जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है उनको अपना हिस्सा मिल जाएगा, जो जमशेद एंड स्मिता वाला फैक्शन है उनको अपना लैंड मिल जाएगा, और बाद में अपने हिसाब से वो चाहे वो कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी यही है कि जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल स्पेसेस के अंदर। और ये थी कहानी कैसे एक सिंगल फैमिली बनी मुंबई जैसे शहर के अंदर की सबसे बड़ी लैंड ओनर और आज वो किस सिचुएशन में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।